खाली हाथ जा रहा है और हमें भी खाली हाथ जाना है, तो हमें कष्ट क्यों है, हमारी शुगर बीपी क्यों बढ़ती है? नाती पोते के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी से अच्छा मकान बनाने के लिए सोचते हैं, उससे अच्छी गाड़ी की सोचते हैं, इसे प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलिए। जो आपके भाग्य में लिखा होगा आपको मिलेगा। तो आपकी सच्ची जिंदगी का रहस्य क्या है? खुशी। आपके चेहरे पे मुस्कान हो और आदमी आपकी पीठ के पीछे प्रशंसा करो, वही सच्ची जिंदगी। और वो कैसे मिलती है? लॉयल्टी और इंटीग्रिटी से। आप फौज में लॉयल इंटीग्रेटेड हो, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी वजह से देश का सम्मान बढ़ेगा। और जिस दुनिया में आप अभी कदम रख रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी सर्विस में जा रहे हैं, उसके प्रति आप लॉयल रहना, आप इंटीग्रिटी बनाए रखना, आपका सम्मान अपने आप बढ़ेगा और आपकी आवश्यकता अपने आप पूरी होगी। जस्ट इंटीग्रिटी। आप एक ऐसी स्टेज पर हो जहां सेना देखा, आप दूसरी स्टेज पर जा रहे हो जहां सिविल देखोगे, ये दो अलग दुनिया है। तो जब तक आप बाहर की दुनिया को समझ सकोगे, तब तक तो आप आधे लूट चुके होगे। घर जाते ही पेंशन के पैसे भाई ले लेगा, माँ बाप आंसू निकाल के, छोटे वाला तो कमजोर रह गया, उसी का कुछ काम करा दो, ये करा दो, जब सब निकल जाएगी उसके बाद बीवी भी डांट पा रही दिन में और बच्चे भी, वही दुनिया में है। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि जब आप इस समाज से बाहर जाकर के पांव रखते हो, जो गुरु जी ने शिक्षा दी है, जिस संस्था से जुड़ते हो, नौकरी करते हो या अपना बिजनेस करते हो, बी लॉयल एंड इंटीग्रेट। बीवी के प्रति लॉयल रहोगे, हंस के पराठे खिलाएगी, नहीं तो सूखी रोटी मिलेगी। बच्चे के प्रति लॉयल रहोगे, वो धोखा नहीं देगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। जिस जहां नौकरी कर रहे हो वहां लॉयल रहोगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, और इस संस्था में लॉयल रहोगे ज्यादा सीखे जाओगे। तो बाकी बची हुई जिंदगी, पेंशन तो आपको मिल गई है, रोटी आपकी सुरक्षित है, आपके चेहरे पर, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, ये मेरा आशीर्वाद है। यहां आने से पहले कल हमें डिटेल किया गया कि आप जाएंगे, सरकारी ड्यूटी थी जी निभानी थी, आगे आने से पहले मैं डीओ से मिल के आया कि डिफेंस स्टेट सर्विसेज के अंदर कितने लोग हैं जो सिविलियन इंप्लॉय हमारे फौजी हूँ, क्यों नहीं, हमारे आरटीए वाले सर्वे बहुत अच्छे जानते हैं, कम्युनिकेशन हमारे सिग्नल वाले बहुत अच्छे हैं, लेन देन हमारे ऑर्डिनेंस वाले बड़े माहिर हैं, उसके सिवा डीजीआर की जितनी भी सर्विसेज मिलती है। आप आस्थाना साहब से हमारी एक प्रार्थना है कि जिस प्रकार से कैंपस प्लेसमेंट होता है, उस प्रकार से सभी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर के कैंपस प्लेसमेंट करें और एयरटेल वाले सिग्नल वालों को यहीं से क्यों ना रिक्रूट करें। और अस्थाना साहब, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत अच्छी और दूसरों के लिए, इसलिए हिंदुस्तान के जिस बढ़िया को बोलोगे ना, उसी को पेश कर दूंगा। और ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं सिपाही से अफसर और डायरेक्ट एंट्री था, टॉपर में आईएएस भी कर गया था। माँ बाप से पूछा क्या करें, बोला जी लेफ्टिनेंट बन जाओ, सीओ बन गया क्या था, किसी को छुट्टी दे दो, फौजी बहुत होते हैं तो सीआर साहब पड़ा होता है। सो माँ बाप की वजह से वहां बने। तो आज मेरे दोनों बच्चे इंग्लैंड टॉप करके, माय सन इज द फर्स्ट इंडियन हु हैज टॉप द वर्ल्ड, लंदन में सेटल है, छोटा और दुबई के अंदर सेटल है। और मैं फिर भी रीएम्प्लॉयमेंट में इसलिए आया कि मुझे सेना से, मुझे अपने देश से बहुत प्यारा, मैं पेट्रियट हूं। अगली बार कुछ ऐसा भी किया जाएगा कि आप लोगों की रीएम्प्लॉयमेंट हो जाए। इसके सिवा अपने जिले में एक स्टेट गवर्नमेंट के जिला सैनिक कल्याण ऑफिस होता है, उसमें आपकी इंप्लॉयमेंट बहुत होती है। और उसके सिवा जिस भी सरकारी कंपनी में आप जाओगे, सर्टिफिकेट आपका साथ देगी और गुरु के प्रति सच्चा साथ होगा, उनका आशीर्वाद भी होगा, आप सब सफल होगा। जो सफल नहीं होता है वो वापस आ जाना गुरु जी के पास, मैं सफल कराऊंगा। थैंक यू। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो योग्य होते हैं लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं होता, इसलिए कभी सेना में नहीं आते। बिल्कुल सही है, उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के कोचिंग सेंटर खोलो। और सर एक बात और बताना भूल गया है, उसको आप लोग सही स्पीड में लेना। मोदी जी ने स्कीम चलाई है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, और उस स्कीम में 1 करोड़ रुपए आपको लोन मिलेगा। लेकिन उस 1 करोड़ रुपए से पहले आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, उस फैक्ट्री आप क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। तो बहुत से लोगों के पास में आपके पास में 1 करोड़ रुपए का आधार बना